खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के सरफुद्दीनपुर मोहल्ले में अवैध शराब बनाने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने प्रवर्तन दल और पुलिस टीम का गठन किया और मुखबिर के बताए गए जगह पर छापेमारी की। इस दौरान इस कारोबार में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उप आबकारी आयुक्त एसपी चौधरी ने बताया कि छापेमारी के दौरान लगभग 1 लाख से ऊपर देशी और विदेशी शराब के ढक्कन, 17,000 से ज्यादा क्यूआर कोड, 40 लीटर अपमिश्रित स्प्रिट के साथ भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी जांच चल रही है, जांच के बाद पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरफुद्दीनपुर में वार्ड नंबर 15 में सूचना मिली सुबह कि एक आदमी भारी मात्रा में ढक्कन और क्यूआर कोड रखा हुआ, उसके साथ स्प्रिट और बनी हुई शराब भी रखा है। तो उसके आधार पर हमारी टीम, आबकारी की टीम, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन की टीम, एसएसएफ की टीम और साथ में पुलिस की टीम, ये मिल करके उसके यहाँ छापा मारे। 1 लाख से ऊपर ढक्कन बरामद हुए हैं, जिसमें देसी शराब के और विदेशी मदिरा के भी हैं, और उसके साथ साथ करीब 17,000 से ज़्यादा क्यूआर कोड मिले हैं, 40 लीटर के लगभग अवैध स्प्रिट मिला है। बाकी जांच की कार्रवाई चल रही है, अभी जो है कि फर्द लिखा जाएगा, फिर बाद में आपको अवगत कराया जाएगा। ये अभी इसके विषय में जांच चल रही है, जांच चलने पर आपको पूरी बात बाद में बताई जाएगी। कितने लोग और भी लोगों को इसके साथ जो है पूछताछ के बाद हो सकता है और लोगों की गिरफ्तारी भी, और लोगों को पकड़ा जाए। कितने लोग गिरफ्तार थे? एक आदमी गिरफ्तार है।